हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने अक्षांश और देशांतर का बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस लेक्चर के अंदर पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की दो मुख्य गतियां हैं, उसमें पहली गति है घूर्णन और दूसरी गति है परिक्रमा, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती है तथा 24 घंटे के अंदर एक पूरा चक्र पूरा करती है। इसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी को 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है। इस गति को वार्षिक गति या परिभ्रमण गति कहा जाता है। पहला घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, हमने अध्ययन किया है। पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी जब एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक दिन होता है। इसी से इस गति को दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी जिस धुरी अथवा अक्ष पर घूमती है वह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है। पृथ्वी का यह अक्ष अपने कक्ष के तल से प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात इस कक्ष तल से वर्टिकुलर लंबवत 23.5 डिग्री का कोण बनता है। जो दिवस हैं उन्हें दो टुकड़ों में, दो वर्गों में विभाजित करते हैं हम। एक कहलाता है नक्षत्र दिवस, जिसकी लंबाई 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड होती है। इसकी गणना किसी तारों की स्थिति के आधार पर की जाती है। एक दिन की अवधि की गणना जब किसी निश्चित मध्याह्न मेरिडियन देशांतर रेखा के ऊपर मध्याह्न सूर्य के उपरांत दो बार गुजरने के बीच लगने वाले समय के आधार पर की जाती है तो वो सौर दिवस कहलाती है। और सौर दिवस की औसत लंबाई 24 घंटे की होती है। नक्षत्र दिवस और सोलर डे, सौर दिवस में अंतर 3 मिनट और 56 सेकंड का होता है। अपन ने अध्ययन किया है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसे घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, अर्थात पृथ्वी इस 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। एन डायग्राम, एन नॉर्थ पोल, एस साउथ पोल, ई इज द इक्वेटर, सी इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, पी एक्स वाई कोई सर्कल है और इस पर पी कोई स्थान है। इस पी स्थान की पूरी जो जर्नी है आधी प्रकाश में होती है और आधी अंधकार में होती है, अर्थात जो भाग सूर्य के सामने होगा वो दिन की अवधि को और जो रात जो अंधकार में होगा वो रात की अवधि हो, अर्थात इस आधार पर दिन और रात बनते हैं। अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, अर्थात 15 देशांतर पर 1 घंटे का समय में अंतर देखने को मिलता है और इस समय बंदी इसी आधार पर बनती है। पृथ्वी की इस गति के कारण एक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे कोरिओलिस फोर्स कहा जाता है। इस कोरिओलिस फोर्स के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में पवने तथा सागरीय तरंगे दाई ओर मुड़ती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये पवने और तरंगे बाई ओर मुड़ती हैं। कोरिओलिस फोर्स और इसका इफेक्ट के बारे में अपन पवनों और सागरीय तरंगों के लेक्चर में डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके कारण ज्वार और भाटे की स्थिति भी उत्पन्न होती है।
दूसरी जो पृथ्वी की गति है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के मध्य एक बार दूरी कम होती है और एक बार दूरी ज्यादा होती है। अर्थात पृथ्वी के जो परिक्रमा का पथ है वो अंडाकार है, गोल नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 3 जनवरी को सबसे कम होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर, इसे पेरिफेरियन कहा जाता है, उपसौर। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर, इसे अपसौर एफिलियन कहा जाता है। और पृथ्वी की इस गति के कारण सूर्य के किरणों का कोण तिरछा रहता है, अपन ने अध्ययन किया है, और इसे तिरछा होने के कारण तापमान की प्राप्ति अलग अलग अक्षांशों पर देखने को मिलेगी। वर्ष की अवधि का निर्माण होता है, इसी के कारण कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण अपन ने अध्ययन किया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा का जो मध्य का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा के बाद और मकर रेखा के बाद ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। अर्थात कर्क और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो तापमान सर्वाधिक इन्हीं इस क्षेत्र में आपको देखने को मिला। पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, और एक बार उत्तरायण की स्थिति होती है और एक बार दक्षिणायन की स्थिति होता है। अर्थात एक बार उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर, और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध पर। तो ध्रुवों के आसपास 6 6 माह का दिन और रात की अवधि बनती है। तापमान की भिन्नता आपको अपने को देखने को मिलती है, और अपन ने अध्ययन किया है कि जलवायु की पेटियों का निर्धारण भी इनसे होता है, और दिन और रात की अवधि भी अलग अलग होती है। वो उत्तरायण और दक्षिणायन पर अपन ने कहा था कि जो स्थिति जो सूर्य के सामने भाग सामने आएगा वहां दिन की अवधि बड़ी होगी, जो नहीं होगा वो उस पर रात की अवधि दिन की अवधि छोटी होगी। न ऋतु परिवर्तन, अपन ने अध्ययन किया है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, भूमध्य रेखा पर ही दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा को प्रकाशवृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। परंतु क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सदा एक ही इसी स्थिति में रहती है, इसलिए भूमध्य रेखा के अतिरिक्त उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों की सभी अक्षांश रेखाओं को प्रकाशवृत्त 2 बराबर भागों में बांटकर भिन्न भिन्न ऋतुओं में असमान रूप से विभक्त करता है। परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा के अतिरिक्त शेष भागों में दिन और रात की अवधि समान नहीं होगी। हमने अभी अध्ययन किया है, वार्षिक गति बनती है, 66.5 डिग्री का कोण पे है, और पृथ्वी जो है हमेशा एक अक्ष पर झुकी हुई है। इनके कारण ऋतुओं का निर्माण आपको देखने को मिलता है। वेन डायग्राम, पोजिशन ए, जून 21, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। पोजिशन बी, 22 दिसंबर, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अर्थात पोजिशन ए, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होंगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और दिन की अवधि लंबी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और दिन की अवधि छोटी होगी। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, या किरणें सीधी पड़ेंगी। परिणामतः दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। पोजिशन सी एंड द पोजिशन डी, दोनों स्थिति पर सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। पोजिशन ए, पृथ्वी अक्ष इसके कक्षातल पर बने लंब से 13.5 डिग्री का कोण अपने पढ़ा है बनाती है। परिणामतः जून के माह में या उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, दिन की अवधि बड़ी होती है, रात की अवधि छोटी होती है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है। पोजीशन बी,
22 दिसंबर सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होगी और दिन और रात की अवधि भी उसी आधार पर होगी। एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से महाद्वीप हैं, महाद्वीप है या देश हैं जहाँ क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में आता है, क्योंकि जनवरी के अंदर सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं, तो अर्थात दक्षिणी गोलार्ध जनवरी माह में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस मनाया जाता है। अपन ने अध्ययन किया दो स्थिति है 21 मार्च और 23 सितंबर की, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं अर्थात दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। अगले अध्ययन में अपन जब ग्रहों का अध्ययन करेंगे, उपग्रहों का अध्ययन करेंगे, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है, उससे बढ़ता और घटता है। जब बढ़ता है शुक्ल पक्ष, घटता है तो कृष्ण पक्ष। सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति को सेजगी कहते हैं। इसे दो प्रकार के अपन देखा होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, पहली युति और दूसरी वियुति की स्थिति कहलाती है। डायग्राम में मंथ वाइज सूर्य की किरणों का कोण 21 जून टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, 22 दिसंबर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर किरणें सीधी पड़ेंगी, और हर माह पर इन दोनों रेखाओं पर पड़ने वाले कोण के आधार पर ऋतुओं का निर्धारण हमें देखने को मिलता है। पृथ्वी के बारे में उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य से ऊर्जा मिलती है, मैंने अध्ययन किया है कि ऊर्जा का एक ही स्रोत है सूर्य। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, मैंने अध्ययन किया है, और यह गति 1610 किलोमीटर की, लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाती है, और इसी तीव्र गति के कारण पृथ्वी का आकार बनता है, और पृथ्वी का आकार दोनों ध्रुवों पर थोड़ा दबा हुआ है, नाशपाती के शेप में आता है, ये इसी गति का परिणाम है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। घूर्णन अक्ष के आधार पर ही अक्ष और देशांतर का निर्धारण किया जाता है। इस कारण पृथ्वी पर भौतिक और जैविक दोनों क्रियाएं प्रभावित होती हैं। अपन ने अध्ययन किया है इस गति के कारण कोरिओलिस फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पवने और सागरीय तरंगे उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।